उन्हें कोड डेवलपमेंट करने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि मुझे ऐसा सिस्टम मिले जहाँ से मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिज़ाइन करूँ। तो ऐसे केस में आपको शायद आज के टाइम में जितनी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट? आपको ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहाँ क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड मिलेगा, तो उस डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर ही आप चेंजेस करोगे, ठीक है। लकीली अगर कोई इंटरनल मॉड्यूल कुछ बनाना है, नया बनाना है या कोई नई रिक्वायरमेंट है, वो एक अलग बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो सब चीज़ें उस टाइम पे होंगी जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। बट अगर मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसमें आपको ही चेंजेस करने पड़ेंगे और उस हिसाब से रिक्वायरमेंट को आप अचीव करोगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। दिस इज़ व्लॉग नंबर 21। इस व्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने मेरे से बहुत बार पूछा है बट मुझे मौका ही नहीं मिलता था उसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चलो इस पर आज बात करते हैं। तो आपने एक सवाल मेरे से बहुत बार पूछा है कि भैया जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप है या MNC हो, तो वहाँ पर किस तरीके से हमें KT प्रोवाइड की जाती है, या पहले दिन से ही कोड करने को मिल जाता है, क्या मुझे पहले दिन से ही काम दे दिया जाएगा? इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस व्लॉग में हम कवर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगे, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग लगा। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाकी गाइज, अगर आपको वेब होस्टिंग चाहिए तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आप मुझे पिंग कर सकते हो। जो बेस्ट सर्विसेज हैं हम जो कम प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट बड़े ही स्मूथ तरीके से होस्ट कर पाओ विद एक्स्ट्रा फीचर्स, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या अप्रोच रहती है, क्या माइंडसेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि डिफरेंट स्टार्टअप्स कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग रहता है। जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, प्रोडक्ट बेस्ड का अलग होगा। बट अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दोनों के केस में हम बात करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से ही कोड करने को दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको मैं चलो पहले बात करता हूँ डेवलपमेंट की। दो तरीके के प्रोजेक्ट रहते हैं, एक डेवलपमेंट रहता है, एक सपोर्ट रहता है। अगर आप एक कोर डेवलपमेंट में जा रहे हो, ठीक है, आप खाली डेवलपमेंट करने जा रहे हो और सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है, सपोर्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सपोर्ट डेवलपमेंट क्या है एवरीथिंग, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो किसी कंपनी के अंदर और अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, अगर आपको इनिशियल टाइम पे एक ब्रांड मिल जाता है तो अच्छी बात है, बहुत मतलब ब्रांड से शुरू करना, उसके बाद जब नेक्स्ट आप स्विच करते हो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। देखो स्किल्स तो मैटर करते हैं बट ब्रांड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपको कोड करने को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इनिशियल टाइम पे पहले दिन तो वही डॉक्यूमेंट वर्क होगा, दो दिन भी लग सकते हैं, तीन दिन भी लग सकते हैं, उसके बाद जो भी आपकी टीम होगी, जो डेवलपमेंट टीम होगी, उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, राइट। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपको जो भी आपकी डेवलपमेंट टीम होगी, जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको केटी दी जाएगी, नॉलेज ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं। आप ये केटी वर्ड बहुत ज़्यादा सुनोगे कंपनीज़ के अंदर। तो जो भी एप्लीकेशन है जिस पे आपको डेवलप करना है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी, मॉड्यूल्स के साथ फैमिलियर करवाया जाएगा। अब आपने फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसी टेक्नोलॉजी पे ही वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो आपको कहा जाएगा कि भाई ये गिट का लिंक है, इसे चेकआउट कर लो, ठीक है, जो भी, या फिर CVS है, जो भी वो वर्जनिंग कंट्रोल के लिए जो भी रेपो यूज़ कर रहे होंगे, चाहे गिट हो या CVS हो, तो वो आपको चेकआउट करवाया जाएगा। तो ये नहीं कि ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है आपको 1 से 1.5 महीना लगता है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में, ठीक है। तो जितनी बड़ी MNCs कंपनी होती है वहाँ पे पूरा आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, आप पूरा टाइम आपको मिलता है, आपको KT दी जाती है, आपकी रिवर्स KT होती है। रिवर्स KT मतलब ये होता है कि जो भी आपको KT दी है आपके सीनियर ने, तो आप दोबारा से रिवर्स KT देते हो अपने जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं उनको, या फिर जो टेक्निकल टीम है उनको, ताकि ये पता चल पाए कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ गई हैं, राइट। तो जैसे ही वो आपको रिवर्स KT आपका आप मतलब ग्रीन साइन मिल जाता है आपको आपकी टीम से, उसके बाद आप धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से आपको बड़ी फंक्शनैलिटी लिखने को दे दी जाएगी, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे चेंजेस, फ्रंट एंड चेंजेस है तो वैलिडेशन चेंजेस हो गए, ठीक है। अब एकदम से अगर आपको कोई बड़ी चीज़ दे दे तो आप माइट भी आप घबरा जाओ या ना कर पाओ। तो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस दिए जाते हैं, जैसे कि जैसे जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है, राइट, तो एक जीरा टूल होता है, वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बना दी जाती हैं, कुछ स्टोरी के अंदर टाइम कम लगता है, कईयों में ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से जो भी आपका स्क्रम मास्टर होगा यू कैन से, या फिर कोई मैनेजर है आपका जो उन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो उसको पता होता है कि इस स्टोरी में कितना टाइम लगना है। जब मैं स्टोरी की बात बोलता हूँ दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस ने दी है ना, तो इसमें अगर एक दिन लग रहा है, हाफ दिन, हाफ डे लग रहा है, और मैं एज अ न्यू ज्वाइन मैंने किया है, तो अगर हाफ डे लग रहा है चलिए एक दिन में कर ही देगा, कोई बात नहीं, इसको दे देता हूँ, इस तरीके से वो आपको चेक करते हैं। और आप इस तरीके से एक कंपनी के अंदर
काम करना शुरू करते हो एक नॉलेज, एक केटी यू कैन से आपको जो नॉलेज मिलती है उसके बेस पे, राइट। सेकेंड, अगर आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में जा रहे हो जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क भी है और सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी हैं। देखिए सपोर्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट को अगर मेरे से कोई कहे भैया कम शब्दों में बताओ कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डेवलपमेंट के साथ, कोर डेवलपमेंट के साथ। देखिए सपोर्ट में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन है ना क्लाइंट के साथ वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप डेवलपमेंट भी करते हो, जो लोग ये कहते हैं कि ठीक है एक सपोर्ट इंजीनियर भी होता है, ठीक है। जैसे मेरी डेजिग्नेशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं सपोर्ट इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी करता हूँ अपनी कंपनी में जैसे जैसे मुझे काम करने का मौका मिलता है, और डेवलपमेंट भी करता हूँ जैसे कोई नई पूरी रिक्वायरमेंट भी नहीं आ गई। जैसे मैं अभी आपको पता है कुछ दिनों से रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कंपनी में, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे किस तरीके का काम है, इस पे भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो सपोर्ट को अगर मुझे कम शब्दों में डिफ्रेंशिएट करना पड़े डेवलपमेंट के साथ, तो उसमें क्या होता है जैसे कि यू कैन से क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा, ईमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। डेवलपमेंट में आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, जो सपोर्ट वाला होगा उसको पूरा फंक्शनल एंड टू एंड पता होगा एप्लीकेशन के बारे में, कैसे मैसेजेस स्विच कर रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है, फंक्शनली कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ सपोर्ट वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे पास, क्लाइंट के साथ बहुत इंटरेक्शन रहता है, तो इनिशियल टाइम पे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें कोर डेवलपमेंट करने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि मुझे ऐसा सिस्टम मिले जहाँ से मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिज़ाइन करूँ। तो ऐसे केस में आपको शायद आज के टाइम में जितनी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट। आपको ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहाँ क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड मिलेगा, तो उस डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर ही आप चेंजेस करोगे, ठीक है। लकीली अगर कोई इंटरनल मॉड्यूल कुछ बनाना है, नया बनाना है, या कोई नई रिक्वायरमेंट है, वो एक अलग बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो सब चीज़ें उस टाइम पे होंगी जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। बट अगर मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसमें आपको ही चेंजेस करने पड़ेंगे और उस हिसाब से रिक्वायरमेंट को आप अचीव करोगे। ज़्यादातर केसेस में जो प्रोडक्ट होता है ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, उसमें आपको काम करने को मिलता है। अब जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बनाना है, ठीक है। या वो स्टार्टिंग में बना रहे हैं, मिडल में है, तो उस तरीके से टीम हायर करते हैं। स्टार्टअप में ना ये कोई फिक्स नहीं है रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, अगर आज मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ कल मैं एंगुलर पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। वेब के अंदर ही अगर आज मैं एंड्रॉइड पे कर रहा हूँ तो शायद मैं कल रिएक्ट नेटिव पे कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर, इस तरीके से। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप में आप आज़ाद पंछी हो, मतलब आपको पहले दिन से भी डेवलपमेंट करने को मौका मिल सकता है, मतलब पहले दिन से ही आपको काम करने को मिल जाएगा, आपको सैटरडे संडे भी बताने को मिलेंगे, सैटरडे संडे भी आप काम कर रहे हो। तो वर्किंग कल्चर जो है, चाहे स्टार्टअप हो, MNCs जो हैं सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड, सब में अलग अलग रहता है। बट अगर आप एक अच्छी बड़ी MNC कंपनी में जा रहे हो तो उस केस में प्रॉपर प्रोसेस होता है, 3 से 4 महीने एडजस्ट बंदे को लग ही जाते हैं करने में, टीम के साथ फैमिलियर होने में, प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर होने में, और उसके हिसाब से फिर आपकी लाइन डिसाइड होती है कि आप डेवलपमेंट कितने टाइम तक करने वाले हो। और फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट आई है वो 6 महीने की आई है, तो 6 महीने आप डेवलपमेंट करोगे, उसके बाद फिर वापस अगर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी तो आप बेंच पर चले जाओगे। बेंच मतलब होता है हर कंपनी के अंदर एक रिसोर्स पूल होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो रिसोर्स को उठा के बेंच पर डाल दो, फिर बेंच पर वो रहेगा, इंटरव्यूज़ देगा विद इन दैट कंपनी, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे उसका इंटरव्यू होगा 1 राउंड, उसके बाद फिर वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, कंपनी का ही बंदा है वो, तो नॉर्मल डिस्कशन होगा, जावा पे है तो जावा पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, फिर आपकी हायरिंग हो जाएगी, फिर आप उस प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने 1 साल काम करोगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। इन ये सर्विस बेस की बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस में क्या है कि प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट पे वो करते रहेंगे जब तक उनका, क्योंकि वहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट पे वो काम करेंगे, तो वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 6 महीने का या 4 महीने का, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। यहीं आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी जैसे जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वो 6 महीने या 7 महीने चलेगा, फिर आपको किसी और जो उनके पास और प्रोजेक्ट्स होंगे या उस एप्लीकेशन से जो इंटरेक्ट करने वाली एप्लीकेशन होंगी उसमें आपको डाल देंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का मूवमेंट चलता रहता है और टेक्नोलॉजी स्विचिंग भी चलती रहती है, ठीक है। बट जो बड़ी MNCs कंपनी होती है वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल रिएक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी रिएक्ट वाली है, आपसे जावा काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको KT वगैरह नॉलेज मिलती है, 2 से 3 महीने आपको एडजस्ट होने में लग जाते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप में जा रहे हो जो बहुत अर्ली स्टार्टअप है तो शायद आपको पहले दिन से भी डेवलपमेंट करने को मिल सकता है। तो चैलेंजेस वाली बात है, जिसने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए वो खेल जाएगा और जिसने नहीं किए तो सीखता रहेगा। बट इस दौरान आपको एक चीज़ ध्यान रखनी जो मैंने सीखी है, आपको चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखने हैं, समझना है चीज़ों को, समय देना है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अर्ली टाइम पे जब मेरे को डेवलपमेंट में काम मिला था तो मेरे में ना थोड़ा पेशेंस लेवल नहीं था, फटाफट से कर दूँ बस, जल्दी ऐसी रिक्वायरमेंट आए जल्दी मैं अपना काम निपटा दूँ, ऐसा एक रहता था। वो चीज़ होनी चाहिए बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसे समझना है, इन एंड आउट कैसे चल रहा है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है,
उसके बाद आपको कोड चेंजेस करने हैं, क्योंकि कोड क्वालिटी जब चेक होगी तो वहाँ पे आपने जो लॉजिक लगाया क्या पता उसको 3 लाइन में करा जा सकता हो, 4 लाइन में करा जा सकता हो, तो कोड रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा चेंजेस करोगे इस तरीके से। तो ये आपको उस दौरान बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जब आप काम करोगे, चाहे स्टार्टअप में कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो, सर्विस बेस में कर रहे हो, कोड रिव्यू प्रोसेस सेम रहेगा, पीयर टू पीयर रिव्यू भी होता है मेरा, जैसे मैं डेवलपर हूँ, दूसरा डेवलपर है, दोनों हम एक दूसरे का कोड रिव्यू कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प कर रहा होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कैसा एक माइंडसेट रहता है अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो, चाहे वो स्टार्टअप है, MNC है, तो इस तरीके से अप्रोच रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना क्या इंटरेस्टिंग लगा इस ब्लॉग के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना।